हेलो गाइस, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे बायोलॉजी क्लास 7th आईसीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग थिंग्स, जिसका थ्योरी पार्ट एंड सारी एक्सरसाइजेस हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। गाइस, आप लोगों को बहुत अच्छा सपोर्ट आ रहा है, आप लोगों को वीडियोज पसंद आ रहे हैं, हमारा पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, उसके लिए थैंक यू गाइज। कीप सपोर्टिंग अस एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर सिबलिंग्स। सबसे पहले हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें फर्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू आर मोर अबंडेंट इन प्लांट्स, मींस प्लांट्स में सबसे ज्यादा अबंडेंट टिश्यूज कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे मेरिस्टमैटिक टिश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम क्या होता है, दीज आर सिचुएटेड एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स, ये स्टेम और रूट के ग्रोइंग टिप्स पर प्रेजेंट होते हैं, जितने भी हमारे प्लांट की स्टेम और रूट होती हैं उसके ग्रोइंग टिप्स पर, यानी कि जहां से वो उनकी ग्रोथ होती है वहां पर एपिकल मेरिस्टेम्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लांट टिश्यू प्रोवाइड्स बोथ मैकेनिकल स्ट्रेंथ एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी, कौन सा प्लांट टिश्यू ऐसा है जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, वो है आपका स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, इन सभी की स्पेलिंग्स बहुत अच्छे से लर्न करनी है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम का क्या फंक्शन होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन थिकनेस। थिकनेस यानी मोटाई में बढ़ाने में, ग्रोथ करने में वो रिस्पॉन्सिबल होता है, हेल्प करता है लेटरल मेरिस्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज ट्रैकीड। ट्रैकीड क्या होता है, दीज आर इलोंगेटेड सेल्स, ये इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, लॉन्ग सेल्स होते हैं विद टेपरिंग एंड्स, यानी कि इनके किनारे वाले थोड़े से एंड्स होते हैं, एजेस बने हुए होते हैं, दे ऑल्सो कंडक्ट वाटर, और ये क्या करते हैं, वाटर को कंडक्ट करते हैं, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ जाइलम। जाइलम के कंडक्टिंग एलिमेंट्स कौन से हैं, यानी कि उसमें क्या क्या पाया जाता है, तो जाइलम में क्या क्या होता है आपका गाइस, ट्रैकीड्स, वेसल्स, पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स। ट्रैकीड्स, वेसल्स, पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो इसमें आपको इतना ही लर्न करना होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेंडन। टेंडन का क्या फंक्शन होता है, तो टेंडन्स क्या होते हैं, कॉर्ड के जैसे, यानी एक वायर के जैसे स्ट्रॉन्ग, इन इलास्टिक, स्ट्रॉन्ग होते हैं बहुत और इन इलास्टिक यानी कि फ्लेक्सीबल नहीं होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या करते हैं, फिर जॉइंट स्केलेटल मसल्स टू बोन्स, स्केलेटल मसल्स जो होती हैं उन्हें बोन्स से कनेक्ट करते हैं, क्या, टेंडन्स। What type of tissue is tendon? Tendon किस type का tissue है, एक dense regular connective tissue. Dense regular connective tissue है क्या, tendon. अब blood plasma क्या होता है, define blood plasma. Cells that move in a fluid or liquid matrix or a medium called blood plasma. वो cells जो एक fluid में या liquid matrix में या किसी medium में क्या करते हैं, move करते हैं, flow करते हैं, उसे हम बोलते हैं blood plasma. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द ल्यूकोसाइट्स दैट इंक्रीज इन नंबर ड्यूरिंग वर्म इन्फेस्टेशंस। उन ल्यूकोसाइट्स का नाम बताना है जो इंक्रीज हो जाते हैं, कब इंक्रीज होते हैं, जब वर्म का इन्फेस्टेशन होता है, यानी कि इन्फेक्शन बॉडी में वर्म्स का बढ़ जाता है, तो कौन से ल्यूकोसाइट्स बढ़ते हैं, आपके व्हाइट ब्लड सेल्स। ल्यूकोसाइट्स को बताया था ना, व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। तो ये हमारे हो गए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, अब हमें करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। ये सभी हमने डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं हमारे वीडियोस में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट्स में भी हम पिन कर देंगे, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। अब हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट आर टिश्यूज, फर्स्ट क्वेश्चन है, टिश्यूज क्या होते हैं एंड गिव इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू। टिश्यूज की आपको क्या देनी है, इंपॉर्टेंस देनी है। तो सबसे पहले हमें टिश्यूज लिखना होगा, क्या होते हैं, अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर। एक ग्रुप ऑफ सेल्स जो स्ट्रक्चर जिनका सेम होता है, दैट वर्क टुगेदर, जो काम एक साथ करते हैं। सबसे पहली बात आप पॉइंट्स में याद कीजिए, स्ट्रक्चर सेम होता है, एक साथ काम करते हैं, क्या काम करते हैं, टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। एक पर्टिकुलर फंक्शन है कि उनका फिक्स्ड फंक्शन होता है, तो उन्हीं वाले ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं, टिश्यूज बोलते हैं। ठीक है, टिश्यूज क्या होते हैं, एक सिमिलर स्ट्रक्चर के ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है, एक साथ काम करते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं। जैसे हमारे जो आईज में सेल्स होंगे, वो आईज देखने का ही काम करेंगे ना, उसी का काम करेंगे, कुछ ब्रीथिंग का काम तो नहीं कर सकते ना, तो वो हो गए आपके टिश्यूज। अब पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू, टिश्यू की इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो इसमें आप लिखेंगे, दे परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं टिश्यूज, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, डाइजेशन, ये सब। दे वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब इन द बॉडी, वो एक इकट्ठे होकर यानी कि एक साथ मिलकर काम करते हैं, ताकि वो एक स्पेसिफिक जॉब बॉडी में, एक स्पेसिफिक काम अपना परफॉर्म कर सकें। दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू ऑर्गन्स, ऑर्गन्स को एक स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, टिश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं।
टिश्यू पेपर नहीं है ये, टिश्यूज ये अलग होते हैं, बताया ना अभी अभी, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्ट द ऑर्गन्स फ्रॉम एनी इंजरी और शॉक। ये क्या करते हैं टिश्यूज, प्लांट्स में भी एक ही काम होता है और इसमें भी यही काम होते हैं इनके सारे ह्यूमन बॉडी में, एनिमल्स में, कि न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं और ऑर्गन्स को किसी भी इंजरी से, किसी भी चोट लगने से, किसी भी शॉक से क्या करता है ये, प्रोटेक्ट करता है। दे फाइट अगेंस्ट मैनी इन्फेक्शन इन द ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन बॉडी में जो भी इन्फेक्शन हो रहे होते हैं उसके अगेंस्ट भी ये क्या करता है, फाइट करता है, क्या टिश्यूज फाइट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप्स, उसके वेरियस टाइप्स क्या करने हैं आपको एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू इज द सिंपलेस्ट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, पढ़ाए थे उसमें है फर्स्ट, सबसे पहला ये एपिथेलियल टिश्यू, ये सिंपलेस्ट टिश्यू है, सबसे सिंपल टिश्यू है एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है एनिमल बॉडी का, यानी कि प्रोटेक्ट करता है ये। इट कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन द बॉडी, ये किस चीज की कवरिंग बनाता है, जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स और कैविटीज जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, वो एपिथेलियल टिश्यूज के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, कवर कर लिए जाते हैं। अब हमें इसके वेरियस टाइप्स एक्सप्लेन करने हैं, तो सबसे पहले हम इसके टाइप्स देखेंगे, इट्स वेरियस टाइप्स कौन कौन से गाइज, स्क्वेमोस एपिथीलियम, नेक्स्ट क्यूबॉइडल एपिथीलियम, नेक्स्ट कॉलमनर एपिथीलियम, नेक्स्ट ग्लैंडुलर एपिथीलियम एंड लास्ट सीलिएटेड एपिथीलियम। तो ये आपके मेन फाइव टाइप्स होते हैं एपिथीलियल टिश्यू के। अब हम इन्हें वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले आता है स्क्वेमोस एपिथीलियम। स्क्वेमोस एपिथीलियम क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ थिन, मींस किस चीज से बने होते हैं, थिन यानी पतले पतले, फ्लैट इररेगुलर शेप्ड सेल्स के बने होते हैं। इररेगुलर यानी कि सेल्स कैसे होते हैं, थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं और इररेगुलर होते हैं, इनकी शेप कोई फिक्स नहीं होती, जो फिट लाइक फ्लोर टाइल्स, फ्लोर की जो जैसे टाइल्स एक साथ जुड़ी हुई होती है उस तरह से ये फिट रहती है, जिससे उनमें कोई स्पेस नहीं बचता, एंड फॉर्मिंग द डेलिकेट लाइनिंग्स ऑफ कैविटीज, कैविटीज की जो डेलिकेट यानी कि नाजुक वाली जो लाइनिंग होती है, कवरिंग होती है, हमारा जो एक एक ऑर्गन होता है ना वो बहुत सारी लेयर से कवर्ड रहता है, जिससे उसे कोई क्या ना हो, नुकसान ना हो, तो कैविटीज की डेलिकेट लाइनिंग को ये क्या करता है, फॉर्म करता है। इट प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग पार्ट्स ऑफ बॉडी फ्रॉम इंजरी एंट्री ऑफ जर्म्स, ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या हो गया, हमने इसकी शेप बता दी, कहाँ पाया जाता है, क्या करता है ये बता दिया, फंक्शन क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है जो हमारे बॉडी के अंडरलाइंग पार्ट्स यानी कि जो हमारे बॉडी के अंदरूनी पार्ट्स हैं उन्हें इंजरी से या फिर जर्म्स की एंट्री से क्या करता है, स्क्वेमोस एपिथीलियम प्रोटेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्यूबॉइडल एपिथीलियम, इट कंसिस्ट ऑफ क्यूबिकल सेल्स, इसमें क्यूब की फॉर्म में होते हैं, क्यूबॉइडल से समझ में आ रहा है, क्यूब की फॉर्म में होते हैं, जो किडनी ट्यूब्यूल्स में पाए जाते हैं, थायराइड वेसिकल्स में पाए जाते हैं और ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। इट हेल्प्स इन, इसका काम क्या होता है क्यूबॉइडल एपिथीलियम का, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करता है, एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन की प्रोसेस में, सिक्रीशन में हेल्प करता है, ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथीलियम हो गया। नेक्स्ट कॉलमनर एपिथीलियम, इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स, इसमें भी सेल्स होते हैं जो टॉलर होते हैं, मीन्स टॉल होते हैं, ब्रॉड नहीं होते, चौड़े, टॉल और ब्रॉड दोनों अलग अलग टर्म्स हो गए, टॉल हो गया लंबा होना और ब्रॉड हो गया चौड़ा होना, तो ये जो कॉलमनर एपिथीलियम होते हैं कॉलम के जैसे, कॉलम तो समझते हैं ना, उसके जैसे टॉल होते हैं, एंड समटाइम्स और कभी कभी इसके जो एंड्स होते हैं, कॉलमनर एपिथीलियम के जो एंड्स होते हैं उन सेल्स में एक ब्रश बॉर्डर आ जाता है, ब्रश बॉर्डर जैसे आपके ब्रश में होता है ना, टूथब्रश में ब्रिसल्स होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इसमें माइक्रोविलाई, जो ब्रिसल्स आ जाते हैं, जो ब्रश बॉर्डर बन जाता है उनमें कभी कभी फ्री एंड्स पर, उसे हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। इट फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ स्टमक, ये जो कॉलमनर एपिथीलियम होता है ये स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कॉलन की क्या बनाता है, लाइनिंग बनाता है, ठीक है, एक डेलिकेट लाइनिंग बना लेता है चारों तरफ उसके। एंड इट्स मेन फंक्शन, और उसका मेन फंक्शन क्या होता है कॉलमनर एपिथीलियम का, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। नेक्स्ट है ग्लैंडुलर एपिथीलियम, व्हेन कॉलमनर एपिथीलियम मॉडिफाइड, जब कॉलमनर एपिथीलियम मॉडिफाई हो जाता है, मॉडिफाई यानी कि और इम्प्रूवमेंट हो जाता है उसमें, तो वो ग्लैंड्स की फॉर्म ले लेता है, ठीक है, वो ग्लैंड्स क्या करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स रिलीज करते हैं हमारी बॉडी के लिए जो जरूरी होते हैं डाइजेशन और रेस्पिरेशन वगैरह की प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो कॉलमनर एपिथीलियम जब मॉडिफाई होकर ग्लैंड्स की फॉर्म ले लेता है उसी को हम ग्लैंडुलर एपिथीलियम बोलते हैं। ग्लैंडुलर एपिथीलियम का क्या फंक्शन होता है, केमिकल्स को सिक्रीट करना। लास्ट टाइप है हमारा एपिथीलियल टिश्यू का, सीलिएटेड एपिथीलियम, दे आर क्यूबॉइडल शेप्ड, ये क्यूबॉइड की शेप के होते हैं जिनका एक फ्री बॉर्डर होता है,
विच हैव थ्रेड लाइक साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ। साइटोप्लाज्म की बनी हुई थ्रेड लाइक यानी कि धागे के जैसे आउटग्रोथ्स रहते हैं, रेशे से रहते हैं, उसे हम बोलते हैं सीलिया। ठीक है, मेन नाम है सीलिया, इसलिए नाम पड़ा सीलिएटेड। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? आपके स्पर्म डक्ट्स में, ट्रैकिया की लाइनिंग बनाते हैं, ब्रोंकिया की एंड किडनी ट्यूब्यूल्स की क्या करते हैं, लाइनिंग फॉर्म करती है सीलिएटेड एपिथीलियम। इसकी जो रिदमिक बीटिंग होती है, सीलिया की जो रिदमिक बीटिंग हो रही है, ये क्या करती है, सॉलिड पार्टिकल्स को एक डायरेक्शन में क्या करते हैं, ये मूव करवाने में हेल्प करता है डक्ट्स के थ्रू। ठीक है, क्या करता है ये, एक ही डायरेक्शन में मूव होते हैं इसकी वजह से, सीलियास जो प्रेजेंट होते हैं इनकी वजह से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। अब टेंडन्स और लिगामेंट्स क्या होते हैं और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, आपको ये बताना है। तो आंसर क्या है, टेंडन्स क्या होते हैं, आपके कॉर्ड लाइक यानी कि धागे के जैसे, अभी स्मॉल सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी बताया, कॉर्ड लाइक वायर के जैसे स्ट्रॉन्ग इन इलास्टिक स्ट्रक्चर होते हैं जो स्केलेटल मसल्स को बोन्स से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं। अब लिगामेंट्स क्या है, पहले आपको ये बताना है टेंडन्स क्या होते हैं और लिगामेंट्स क्या होते हैं। हमने टेंडन्स बता दिया, लिगामेंट्स बताते हैं। लिगामेंट्स आर इलास्टिक स्ट्रक्चर्स, यहीं से आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। ये इलास्टिक होते हैं यानी कि ना आप फ्लेक्सिबल होते हैं, स्ट्रेच कर सकते हो। विच कनेक्ट, जो किसे कनेक्ट करता है, बोन्स टू बोन्स, ये बोन्स टू बोन्स कनेक्ट करता है। और जो टेंडन्स होते हैं वो स्केलेटल मसल्स को बोन्स से कनेक्ट करता है। तो यही इनमें डिफरेंस में आएगा। तो हमें करना है डिफरेंस बिटवीन टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। फर्स्ट आएगा, टेंडन्स आर इन इलास्टिक स्ट्रक्चर्स, टेंडन्स आपके इन इलास्टिक होते हैं यानी कि वो नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, और जबकि लिगामेंट्स आपके इलास्टिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। नेक्स्ट है, टेंडन्स कनेक्ट स्केलेटल मसल्स, टेंडन्स जो है वो स्केलेटल मसल्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है बोन्स से। और जबकि लिगामेंट्स जो होते हैं वो बोन्स टू बोन्स को कनेक्ट करता है, बोन से बोन को ही वो कनेक्ट करते हैं टेंडन्स। तो ये हमारा टेंडन और लिगामेंट के बारे में भी उनका डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ कार्टिलेज। आपको कार्टिलेज के बारे में बताना है, कार्टिलेज क्या होता है। ठीक है, कार्टिलेज एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जो कॉम्पैक्ट होता है और वास्कुलर होता है। इट्स मैट्रिक्स, कार्टिलेज में एक मैट्रिक्स पाया जाता है जिसमें डेलिकेट नेटवर्क होता है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है कोलेजन फाइबर्स का, कोलेजन फाइबर्स का नेटवर्क पाया जाता है। एंड लिविंग सेल्स, और लिविंग सेल्स का भी पाया जाता है, उस लिविंग सेल्स को हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं उन लिविंग सेल्स को हम, कॉन्ड्रोसाइट्स। कहाँ पाए जाते हैं, कार्टिलेज के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं जो लिविंग सेल्स होते हैं। ठीक है, इट इज लोकेटेड इन ईयर पिना, ये जो कार्टिलेज होता है ये हमारा ईयर का ही पार्ट होता है, ईयर पिना, नोज टिप पे, एपिग्लॉटिस, एंड यहाँ पर ये पाए जाते हैं। और क्या काम करता है ये कार्टिलेज, प्रोवाइड सपोर्ट, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है बॉडी पार्ट्स को, और जो जॉइंट्स पर सरफेस होता है उन्हें स्मूथ करता है, कौन, कार्टिलेज। होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज हमने ये सभी चीजें चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बोन्स, बोन्स का क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे होते हैं, उनका फंक्शन क्या है, उनका काम क्या है, ये बताना है। ये पोरस होते हैं, ठीक है, पोरस यानी पोर्स होते हैं, इनमें छोटे छोटे हाईली वास्कुलर होते हैं, मिनरलाइज्ड होते हैं, मिनरल से बने होते हैं, हार्ड एंड रिजिड होते हैं। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है, इट्स मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, का जो मैट्रिक्स होता है वो किससे बना होता है, प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, बहुत सारे प्रोटीन्स का। इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क, इसका काम क्या है, ये एक फ्रेमवर्क, एक नेटवर्क प्रोवाइड करता है जिससे मसल्स और टिश्यूज को ये आपस में कनेक्ट रह सकती हैं, मसल्स और टिश्यूज आपस में कनेक्ट रहती हैं बोन्स की वजह से। इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम इंजरी, इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं हमारी बॉडी को उन्हें इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। इट इनेबल्स बॉडी मूवमेंट्स, और बोन्स की वजह से बॉडी मूवमेंट हमारी बॉडी में हो पाता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर और फंक्शंस हो गए बोन्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड के कंपोजिशन को आपको डिस्क्राइब करना है। द कंपोजिशन ऑफ ब्लड इंक्लूड्स थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड कॉर्पसल्स और सेल्स विच आर गिवन बिलो। जो ब्लड का कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन से मतलब होता है कि ह्यूमन ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, ठीक है, क्या क्या एलिमेंट्स इसमें होते हैं। तो थ्री डिफरेंट टाइप के ब्लड कॉर्पसल्स, कॉर्पसल्स यानी सेल्स पाए जाते हैं, ब्लड सेल्स, जो कौन कौन से है, सबसे पहले इरिथ्रोसाइट्स, दीज सेल्स फॉर्म द मेजर पोर्शन ऑफ द ब्लड। ये जो इरिथ्रोसाइट्स होते हैं ये ब्लड का मेजर पार्ट, यानी कि जैसे 100% हो गया, उसमें से 70-80% कौन सा ब्लड सेल्स बनाते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। विच ट्रांसपोर्ट, जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टिंग का वर्क करते हैं, जो डिफरेंट ऑर्गन्स तक ले भी जाते हैं और वहां से भी ले जाते हैं टू द लंग्स, लंग्स तक ले जाने, लाने ले जाने का काम कौन करता है, इरिथ्रोसाइट सेल्स करते हैं।
दीज आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो. ये कहाँ पर बनते हैं? बोन मैरो में बनते हैं, और इन्हें हम रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसीज बोलते हैं. तो इसी से आपको समझ में आ रहा है, जो हमारे ब्लड का रेड कलर होता है वो एरिथ्रोसाइट्स की वजह से ही होता है. कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में बनते हैं. और नेक्स्ट आता है आपका एरिथ्रोसाइट्स हो गए. सेकेंड होता है आपका ल्यूकोसाइट्स. कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन ब्लड में फर्स्ट हो गया एरिथ्रोसाइट एंड सेकेंड है आपका ल्यूकोसाइट्स. दीज सेल्स प्रोटेक्ट अवर बॉडी. ये जो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी को फॉरेन बॉडीज से क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं. फॉरेन बॉडीज यानी जो कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है ना, जैसे जर्म्स है, बैक्टीरिया है, वर्म्स है, इन सबसे प्रोटेक्ट करता है, फाइट करने में हेल्प करता है. और इन्हीं ल्यूकोसाइट्स को हम व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, यानी कि WBC शॉर्ट में WBCs बोलते हैं. ल्यूको मीन्स व्हाइट. व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, तो इसलिए तो कहते हैं इम्यूनिटी वीक है. इम्यूनिटी वीक है यानी व्हाइट ब्लड सेल्स स्ट्रांग नहीं है. नेक्स्ट है थ्रोम्बोसाइट्स. थ्रोम्बोसाइट्स क्या होते हैं? दीज सेल्स प्राइमरीली एड इन, ये जो ब्लड सेल्स होते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में. यानी कि जब आपको कहीं इंजरी हो जाती है, छोटा सा मान लीजिए आपको कट भी लग गया, तो कट लगने से क्या होता है? आपको दर्द होता है, फिर थोड़ा सा ब्लड भी आता है. ब्लड आ गया तो क्या होता है? फिर वो क्लॉट हो जाता है, यानी कि उस पर थोड़ी सी लेयर आने लग जाती है ना, रेडिश ब्राउन सी, तो जम जाती है, ठीक हो जाती है. तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लड क्लॉट हो गया. तो ये जो ब्लड क्लॉटिंग होती है ये थ्रोम्बोसाइट सेल्स की मदद से होती है, यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स बोलते हैं हम इन्हें. थ्रोम्बोसाइट्स बोलो, ब्लड प्लेटलेट्स बोलो, एक ही बात है. तो ये हमारा पूरा ह्यूमन ब्लड का कंपोजिशन हो गया यहाँ तक. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लिम्फ? डिस्क्राइब इट्स फंक्शन. लिम्फ क्या होता है, उसका फंक्शन बताइए. लिम्फ एक कलरलेस फ्लूड होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, जो ब्लड कैपिलरीज से फिल्टर आउट हो जाता है. जो ब्लड कैपिलरीज से फिल्टर आउट कराया जाता है, हो जाता है बॉडी में. इट्स फंक्शंस आर, इसके फंक्शंस क्या है? इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है. हॉर्मोन्स एंड न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स और न्यूट्रिएंट्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में. ठीक है, यानी कि ये ऐसा तो है नहीं पूरी बॉडी में जहां पर जरूरत है वहां बन रहे हैं, तो एक पार्ट में एक जगह बन रहे हैं वो हॉर्मोन्स न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन, और वहां से फिर लिम्फ जो है उसे ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है जहां उसे की जरूरत होती है. और क्या करता है लिम्फ? इट रिमूव्स मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द सेल्स. सेल्स में से जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है उन्हें भी रिमूव करने में लिम्फ हेल्प करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ नर्व सेल. नर्व सेल का स्ट्रक्चर बताइए क्या है इसका. इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज. फर्स्ट पॉइंट, इट इज इलॉन्गेटेड सेल. एक लॉन्ग सेल होता है जिसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सेल बॉडी और दूसरा होता है डेंड्रॉन्स. दो पार्ट्स हो गए, इलॉन्गेटेड सेल होता है. नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है साइटॉन. सेल बॉडी को हम और क्या बोलते हैं? साइटॉन बोलते हैं. ये एक सेंट्रल पार्ट होता है सेल का, बीच का मेन पार्ट होता है जिसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट, साइटॉन जो है वो एक्सटेंड हो जाता है सारे में से. यानी कि मान लीजिए ये एक साइटॉन हो गया, इसके चारों तरफ से क्या आता है? ऐसे थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन आने लग जाते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आने लग जाते हैं चारों तरफ से. ठीक है, इन्हीं थ्रेड लाइक ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन्स बोलते हैं. तो ये आपके क्या बन रहे हैं? ये डेंड्रॉन्स हैं ये सारे. ठीक है, डेंड्रॉन्स फिर फर्दर डिवाइड हो जाते हैं डेंड्राइट्स में. जैसे अभी एक डेंड्रॉन है, इसमें से एक छोटी छोटी क्या आ जाती है? ब्रांचेस आ जाती है. जैसे ट्री पर होता है एक मेन ब्रांच में से छोटी छोटी ब्रांचेस आने लग जाती है ना, तो इन्हीं छोटी छोटी ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं. एंड वन ऑफ दीज ब्रांचेस इज लॉन्गर देन अदर्स. और ये जो इतनी सारी ब्रांचेस बनती हैं, ये जो डेंड्रॉन्स बनते हैं, इनमें से एक ब्रांच जो होती है वो आपकी लॉन्ग बन जाती है, ऐसे पीछे को एक्सटेंड हो जाती है. उसी को हम क्या बोलते हैं? फिर इस वाली ब्रांच को बोलते हैं एक्सॉन. आपकी बुक में डायग्राम होगा. नेक्स्ट है द एक्सॉन्स बंडल टुगेदर. ये एक्सॉन्स जैसे एक नर्व सेल का एक्सॉन बना फिर दूसरे का बना, ये एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, एक साथ इकट्ठे होकर नर्व बना लेते हैं. नर्व जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करती है. तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर हो गया नर्व सेल का. एक नर्व सेल की बात हो रही है ये यहाँ पर. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन. कार्टिलेज एंड बोन के बीच में डिफरेंस बताना है आपको. ठीक है, कार्टिलेज एंड बोन. कार्टिलेज क्या होता है? आपका सॉफ्ट, इलास्टिक एंड फ्लेक्सीबल होते हैं. सॉफ्ट होते हैं, इलास्टिक होते हैं यानी कि फ्लेक्सीबल होते हैं, और इलास्टिक यानी स्ट्रेचेबल होते हैं, फ्लेक्सीबल होते हैं. बोन इसका जस्ट अपोजिट है. बोन टफ, रिजिड एंड इलास्टिक होते हैं. कार्टिलेज डज नॉट हैव डिपोजिट्स ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. कार्टिलेज पे कुछ भी डिपोजिशन नहीं होता है कैल्शियम और फॉस्फोरस का. डिपोजिशन यानी खट्टे नहीं होते हैं, जबकि बोन पे कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का क्या होता है? डिपोजिशन होता है. डिपोजिशन यानी इकट्ठे होना, यानी जैसे बोन्स को बोलते हैं कैल्शियम की कमी है, तो यानी कि कैल्शियम का डिपोजिशन कम हो रहा है आपकी बोन्स पर.
कार्टिलेज में एक हेवर्सियन कैनाल नहीं होता, इट लैक्स हेवर्सियन कैनाल एंड बोन। अ लॉन्ग बोन हैज अ नंबर ऑफ हेवर्सियन कैनाल सिस्टम। जो लॉन्ग बोन होती है इसमें बोन्स में उसमें हेवर्सियन कैनाल सिस्टम होता है। कार्टिलेज इट्स मैट्रिक्स लैक ब्लड वेसल्स। कार्टिलेज के मैट्रिक्स में ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, जबकि बोन के मैट्रिक्स में बहुत सारे यानी कि नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया कार्टिलेज एंड बोन का। और इसी के साथ हमारे चैप्टर वन की एक्सरसाइजेस क्वेश्चन आंसर सभी कंप्लीट हो चुके हैं, थ्योरी पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको समझ में कुछ नहीं आया है, कुछ डाउट है, तो आप या तो रिवाइंड करके देख सकते हैं, अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपको कुछ और हमें सजेशंस देने हैं, आपको कुछ चाहिए, कुछ और टॉपिक समझना है किसी भी क्लास का, 7th क्लास आईसीएसई बोर्ड का किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।